नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश पाल ICS YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग लगातार डेली करंट अफेयर्स की सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा अलग 5 दिनों की करंट अफेयर्स को एक साथ लेकर के आए हैं, जिसमें आपको केवल प्रश्न और उत्तर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यह वीडियो जो है NTPC और ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, और वैसे तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हाल ही में एग्ज़ाम जो है ग्रुप डी तथा NTPC का आने वाला है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों तक जो है इस वीडियो के जो प्रश्न हैं उनको उन तक पहुंच पाए, ताकि उनके परीक्षा में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है। बहुत ही मैं आराम से आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करूंगा। और वीडियो को आप अंत तक बने रहें। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो नई आने वाली नोटिफिकेशन है आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो आज का हम वीडियो का सेशन शुरू करते हैं। 50 प्रश्नों को आज हमने लिया है, महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं, NTPC ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। प्रणब मुखर्जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कब तक कार्य किया? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि प्रणब दा के बारे में सब जानते हैं, एक महान व्यक्तित्व रहे हैं, जिन्होंने देश के राजनीति का एक ऐसा चेहरा, जो मान के चलिए कि जिसने वर्षों तक देश की राजनीति को बचाए रखा, जिसने बहुत ही भारत को नए नए आयाम तक पहुँचाया। और वो कब से कब तक राष्ट्रपति चुने गए? राष्ट्रपति तो चुने गए ही हैं, साथ में वो रक्षा मंत्री भी रहे, विदेश मंत्री भी रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे, ठीक है, 13वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया उन्होंने, और विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्रियों में इनका नाम आता है। जैसे कि आप बात कर लीजिए, अगर अर्थशास्त्री की बात की जाती है, तो मनमोहन सिंह हैं, पी चिदम्बरम हैं, तो उसी श्रेणी में सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में प्रणब दा आते हैं। एशिया के वित्त वर्ष के मंत्री के रूप में 2010 में इनको मान्यता भी मिली थी, बहुत सारी इनकी पुस्तकें भी लिखी गई हैं, ठीक है। लेकिन जो इस समय जो इनका निधन हुआ है, वो फेफड़ों में संक्रमण के कारण जो सेप्टिक शॉक में चले गए थे, तो जिसमें मस्तिष्क में थक्का को हटाने के लिए उनका ऑपरेशन किया गया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया, वेंटिलेटर पर रहे कुछ दिनों तक, उसके बाद में जो है कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे, तो कुल मिलाकर के थोड़ा परेशानी में थे अंत समय में, लेकिन उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया। सन 2019 में आप सभी को पता है कि प्रणब दा को जो है वो भारत रत्न से भी नवाजा गया है, और पद्म विभूषण सहित अन्य तमाम पुरस्कारों इनसे यहाँ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। तो प्रणब दा का कार्यकाल जो इसमें पूछा गया है, वो पूछा गया है कब से कब तक रहे, तो वो 2012 से 2017 तक रहे। मैंने पूरा प्रश्न को आपको डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे किस वर्ष से पहले शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने के लिए काम कर रही है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो हम इसमें बात करेंगे। ऑप्शन दिया है 2021, 2002, 2012, 2023, तो इसमें किस वर्ष कह रहा है, किस वर्ष से पहले शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने के लिए काम कर रहे हैं? इसमें 2002 का तो कोई औचित्य ही नहीं है, 21 हो सकता है, 12 का भी कोई औचित्य नहीं है, और 23 हो सकता है, तो 21 और 23 में से एक ऑप्शन होगा, तो कौन सा होगा? तो कहने का तात्पर्य है, देखिए, 2000 भारतीय रेलवे जो है 2030 से पहले शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने और वर्ष सन 2023 तक 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। तो वैसे तो देखा जाए तो 2030 इसका जवाब क्या होगा, 2030, लेकिन इसमें ऑप्शन है नहीं 2030, तो इसमें 2023 आएगा। 2023 तक जो है वो 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है, तो वैसे जवाब इसका 2030, लेकिन 2023। और मैं बता दूं कि 550 स्टेशनों के लिए 158 मेगावाट सौर रूप स्टाफ क्षमता के ऑर्डर भी दिए हैं, ठीक है, और
इसमें जो है 20 बिलियन जो है वार्षिक रूप से यूनिट की आवश्यकता होगी, जो विद्युत खपत होगी इसमें 20 बिलियन जाएगी, ठीक है। तो और आपको पता है जैसे कि इसमें भारतीय रेल का चिन्ह भी दे रखा है, रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है और स्थापना इसकी जो है 8 मई 1845 को, ठीक है, 1845 को स्थापना हुई थी। आपको सभी को पता है कि लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में जो है पहली ट्रेन चली थी। उसके बाद में और इसका महत्वपूर्ण जो हम आपको चीज़ बताने जा रहे हैं, इस समय रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष का नाम जो है विनोद कुमार यादव है। क्या नाम है? विनोद कुमार यादव है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारतीय रेलवे द्वारा कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवाइयां वितरित करने के लिए विकसित रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली का नाम क्या है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो उस मेडिकल ट्रॉली का नाम है मेडबोट। क्या नाम है? मेडबोट है। ये ट्रॉली का मतलब क्या है? ट्रॉली का मतलब यह है कि कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवाई देने के लिए मेडबोट को विकसित किया गया। मेडबोट जो है भारतीय रेलवे के डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में सेवाएं दे रहा है वर्तमान में, ठीक है। तो इसका नाम हो गया मेडबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका की मदद से निम्नलिखित में से कौन सा देश एक समझौते पर पहुंचे हैं? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब आपका है इजराइल और यूएई। तो जो इजराइल और यूएई के बीच में जो ये पहली वाणिज्यिक सीधी उड़ान जो है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो है अबू धाबी पहुंच गई है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है इजराइल और यूएई के बीच में जो है अमेरिका की मदद से पहुँच गया है। तो अब आगे हम लोग इसकी बात करते हैं, थोड़ा हम जान लेते हैं कि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात क्या है। तो इजराइल के बारे में बता दूं, इजराइल की राजधानी जो है यरूशलम है और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो है अबू धाबी है, ठीक है। इजराइल की मुद्रा जो है इजराइल शेकेल है और उसकी दिरहम है, ठीक है। इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, बहुत ही बेहतरीन दोस्त हैं, ठीक है, किसके? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के। और यूएई के तो मालूम ही होंगे मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम हैं। तो कहने का मतलब है थोड़ा थोड़ा नॉलेज हम लोग और भी लेते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड जीतने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जैसा कि आपको सभी को पता है कि तेंजिंग नॉर्गे जो हैं एडवेंचर खिताब जो है जीता है जिन्होंने, तो इनके बारे में आपको पता ही है कि ये जो हैं पर्वतारोही भी रहे हैं। और कहने का मतलब है किसने जीता है, तो दिव्यांग की ही बात की जा रही है, तो दिव्यांग में यानी कि कोई एथलीट हो सकता है, तो एथलीट का नाम आएगा तो सत्येंद्र सिंह लोहिया जो पैरा तैराक हैं उन्होंने पहला अवार्ड जीता है। और यूएसए के कैटलिना चैनल को पार किया है इन्होंने, यूएसए के कैटलिना, वैसे कैटरीना तो ज़्यादा लोगों को ध्यान रहता है लेकिन कैटलिना फिर भी ध्यान रखिए, यह आपके काम की चीज़ है। कैटलिना चैनल को पार करने के लिए एशियाई तैराक बन गए हैं। और आपको पता होना चाहिए विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उनको जो है तो 3 दिसंबर को ही उपराष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए और मैं बता दूँ पुरस्कार जो है बहुत लोगों को मिल भी चुके हैं पहले से ही, ठीक है। 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं इसमें, अर्जुन पुरस्कार के बराबर इसकी जो है वैल्यू होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में आरबीआई ने विशेष खुले बाजार संचालन को कितनी राशि के लिए करने की घोषणा की है? तो बेहतरीन क्वेश्चन है आपका और बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ते चलेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डिजिट्स आपको फंसाने वाली दे दी जाती हैं, ठीक है, तो उसमें से आपको फंसना नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है इसमें जवाब दिया प्रत्येक को 25 करोड़, प्रत्येक को 30 करोड़, प्रत्येक को 60 करोड़ और प्रत्येक को 1 लाख करोड़। तो इसमें से कौन सा है? तो 25,000 करोड़ है नहीं, 30,000 करोड़ है नहीं, 60,000 करोड़ है नहीं, तो इसमें 1 लाख करोड़ जो है ये आपका सही जवाब हुआ, ठीक है, 1 लाख करोड़। तो इसमें क्या है ये आरबीआई के विशेष खुले बाजार संचालन के लिए बारे में क्या बताया गया, कितनी राशि के लिए करने की घोषणा की गई है? तो इसमें एडवांस टैक ऑटो फ्लो के कारण जो लिक्विडिटी पर दबाव कम करने के लिए टर्म रेपो ऑपरेशंस किए जाते हैं,
उसके लिए है, ठीक है। आरबीआई ने 10 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में जो है 10,000 करोड़ रुपए को पहले दो भागों में, फिर 20,000 करोड़ को की भी घोषणा की है, ठीक है। और आरबीआई ने जो है 5.15 की रिपो रेट पर दीर्घकालिक रिपो परिचालन के तहत धन को वापस करके 4% की वर्तमान रिपो दर को धन प्राप्त करने के लिए बैंकों को विकल्प भी दिया है, जो ध्यान रखिएगा। तो इसका जवाब है 1,00,000 करोड़। आगे बढ़ते हैं, जैविक फसलों की खेती के तहत क्षेत्रफल के मामले में भारत की रैंक क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भारत की रैंक पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत जैविक खेतों के मामले में करने वाले जो किसान हैं, ठीक है, उनके मामले में भारत की पहले स्थान पर रैंकिंग है। कौन से स्थान पर है भारत की रैंकिंग? पहले स्थान पर है। तो इस सारी चीज़ों को, क्योंकि देखिए जैविक खेती के मामले में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका एक नाम आ जाता है सिक्किम। सिक्किम जो है पूर्ण रूप से जैविक खेती करता है, ठीक है। और जब कह दिया जाता है जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा, सबसे पहले स्थान पर कहाँ आती है, तो वो भारत हुआ। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि फसलों की खेती के तहत क्षेत्रफल के मामले में, तो क्षेत्रफल के मामले में जवाब आपका आ जाएगा नवा। कौन सा आ जाएगा? नवा आ जाएगा। ध्यान रख दीजिए, किसानों की संख्या में जवाब आपका आएगा पहला, और जब क्षेत्रफल के मामले में भारत की रैंकिंग पूछ जाती है तो जवाब आता है नवा। तो क्योंकि अब देखिए राज्यों में जो भारत के राज्यों में है उसमें मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद में महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, और सिक्किम में पूरी तरीके से जैविक बनने वाला पहला राज्य है। लेकिन सिक्किम के क्षेत्रफल इतना अधिक है नहीं, ठीक है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है हाल ही में CSIR और CMERI द्वारा विकसित दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है। तो सबसे बड़ा सौर वृक्ष जो है आपका कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। और जब बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम लोगों को निरंतर, देखिए अपनी कॉपी में भी आप नोट कर सकते हैं, और ग्रुप डी के लिए और NTPC के लिए मैंने पहले ही बता दिया, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है ये आपके लिए, तो इस सेशन को लगातार आप सभी लोग देखते रहें। तो इसका जवाब जो है आपका है भिलाई। क्या जवाब है इसका? जवाब भिलाई, जवाब है इसका भिलाई। तो जो ये जो सोलर ट्री की क्षमता होगी वो 11.5 KWP से अधिक होगी, और 12,000 से 14,000 इकाइयों में हरित शक्ति उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। और प्रत्येक सौर वृक्ष की जो है लागत जो है वो 7.5 लाख है, ध्यान रखिएगा। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किस वर्ष में शुरू की गई। अब ये प्रश्न इसलिए है, इस पर थोड़ा प्रश्न पूछा गया था इसलिए है, वैसे तो ये योजना आपकी 2003 में शुरू की गई थी, लेकिन हाल ही में क्या हुआ है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन हैं और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री येदुरप्पा जी ने हैं, वो विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिल्लारी में जो सुपर स्पेशलिटी ट्रामा सेंटर का जो उद्घाटन उन्होंने किया था उससे संबंधित था, तो वो जो है स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत खोला गया था। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछ दिया गया कि 2003 में जो है स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की गई थी, ठीक है। तो इसमें एम्स के तहत संस्थानों की स्थापना होती है, सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, संस्थान हैं, उनका उन्नयन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 2003। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डॉक्टर सरोज घोष विज्ञान केंद्र आंदोलन के जनक थे, ध्यान रखिएगा इसका, इसमें जो जवाब है भारत के विज्ञान केंद्र के आंदोलन के पिता, तो उसका डॉक्टर जो सरोज खान जी कह रहे हैं, वो तो जो है कोरियोग्राफर थी, सरोज घोष जी जो हैं वो भारत विज्ञान केंद्र आंदोलन के पिता माने जाते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इनका जो है ये जो है सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है उसमें इनका नाम दर्ज है, ठीक है,
ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में जुलाई 2020 के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अधिकतम योगदान दिया गया है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों को, मित्रों को, आपके ग्रुप्स हों, आपके टेलीग्राम्स ग्रुप्स हों, आपके FB ग्रुप्स हों, सभी पर शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए तो इसका इसमें पहला है हाउसिंग ऑफ हाउसिंग ग्रुप आइटम खाद्य पदार्थ ईंधन 500 रुपये नेस रुपये, तो इसमें जवाब आपका है हाउसिंग ग्रुप आइटम, ठीक है, इसका जवाब ये है। तो इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात की गई है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से ही पता हैं कि सबसे पुराना जो CPI होता है, CPI ID की बात की गई है, जो सबसे पुराना CPI जो था वो अक्टूबर 1946 में, अगर नहीं पता है तो उसको नोट कर लीजिए, अक्टूबर 1946 में शुरू किया गया था, ठीक है। और देश में 78 औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्रों पर 289 बाजारों के चयनित वस्तुओं का खुदरा मूल्य पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हाउसिंग ऑफ आइटम ग्रुप ऑफ आइटम, तो निम्न में से कौन सा राज्य गुजरात की तर्ज पर विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम लाएगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तो इसमें जवाब आपका है कर्नाटक, क्या जवाब आएगा, कर्नाटक। तो कर्नाटक जो है वो विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम लाएगा और थारवाड़, कालबुर्गी और शिवमोग्गा को विशेष निवेश क्षेत्र घोषित करेगा। तीन क्षेत्र बोले हमने, थारवाड़, कालबुर्गी और शिवमोग्गा। तो निम्न अधिनियम यह सुनिश्चित करेगा कि उद्योगों में राज्य को समान रूप से वितरित किया जाए। इससे पहले गुजरात ने भी इस तरीके का कानून बनाया था, ठीक है। तो कर्नाटक के बारे में आपको सब जानकारी है, नहीं है तो जान लीजिए कि 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था ये कर्नाटक, 1 नवंबर 1956, ठीक है। और वर्तमान में इसके राज्यपाल जो हैं वो वजूभाई वाला है और मुख्यमंत्री आप सभी को पता ही होंगे BS येदियुरप्पा जी हैं, ठीक है। तो और कर्नाटक में एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पर राज्यसभा सीटें भी हैं और कितनी सीटें हैं, 17 सीटें हैं, और कर्नाटक में लोकसभा जो सीटें हैं वो 28 हैं, राजधानी इसकी बेंगलुरु है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व नारियल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नारियल दिवस पूछ लिया गया है अब की बार में, तो आपको पता, देखिए दिवस का एक अपना ही महत्व है। तो विश्व नारियल दिवस आपका जो है वो 2 सितंबर को मनाया जाता है, किस दिन, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। और आपको पता है नारियल का क्षेत्र जो है वो केरल के साइड में ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, पैदा किए जाते हैं, ठीक है। और नारियल विकास बोर्ड भी देश में बन चुका है और भारत जो है दुनिया में नारियल के सबसे बड़े उत्पादकों और नारियल के तहत देश में के तहत क्षेत्र में मामले में तीसरा स्थान रखता है। और थीम, जब मैंने बताया था कि जब कोई दिवस आता है तो उसकी एक थीम होती है, और इसको थीम को सुन लीजिए क्या है, दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें, ठीक है। थीम याद कर लीजिए, दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करिए, ना रियल, जो रियल ना हो, नारियल, ठीक। तो नारियल में बहुत सारी चीज़ें, विटामिन बी पाए जाते हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। और रोगाणु रोधी होता है, एंटीवायरल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा भारत के 2 चुनाव आयुक्तों के नाम को सही ढंग से दिखाता है। देखिए राजीव कुमार जो हैं वो भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो इसमें राजीव कुमार तो एक ही जगह आपको दिख रहे हैं ये, और पहले ये वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, तो उसके बाद में इनको, और इन्होंने जिनका स्थान लिया है वो हैं अशोक लवासा। अब अशोक लवासा जो है वो उन्होंने स्थान लिया क्योंकि, और जो वर्तमान में दूसरे चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम इनके बगल वाला हो गया, सुशील चंद्रा जी हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा हैं। कौन है, सुनील अरोड़ा जी, सुनील अरोड़ा जी हैं मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके साथ में 2 आयुक्त सुशील चंद्र और राजीव कुमार जी हैं, ठीक है। और भारतीय चुनाव आयोग के बारे में आपको पता है, संविधान की 324 से 329 अनुच्छेद निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है, उसके सदस्यों की शक्तियाँ, कार्यों, कार्यकाल, पात्रता आदि के लिए प्रदान की गई हैं, ठीक है। इसमें मुख्य एक चुनाव आयुक्त होता है, 2 चुनाव, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। कितने साल का होता है,
छः साल का, याद कर लीजिए, छः साल का इनका कार्यकाल होता है और 65 वर्ष की आयु तक होते हैं। इससे पहले भी ये सेवानिवृत्त हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, भारत का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस वेधशाला कब लॉन्च किया गया था? तो बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया है कब लॉन्च किया गया था, इसके बारे में बताना है। तो इसका जवाब आपका है 28 सितंबर 2015। क्या जवाब है? 28 सितंबर 2015 को जो है लॉन्च किया गया था। और इसकी आकाशगंगा पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष है, 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको पता है खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो प्रकाश वर्ष ही होता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा डोज है ये आपके लिए और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको लगातार वीडियो को अंत तक बने रहना है। जो पढ़ने की रुचि नहीं रख सकता है वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए पढ़ने की रुचि को आपको बनाए रखना है जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं, ठीक है। आपके मन जो होता है वो आपको कहेगा कि मत पढ़ो, बहुत पढ़ लिया, बाकी के क्वेश्चन बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन अगर मन पर हावी रहोगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए मन को हटाओ और बुद्धि का प्रयोग करो। बुद्धि हमेशा कहता है कि नहीं, इस काम को अभी करिए, लेकिन मन उस पर जब सवार हो जाता है तो कहता है नहीं, इसको थोड़ी देर बाद कर लेंगे, क्या है यार, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी बहुत दिन पड़े हैं, अभी कौन सा एग्जाम होने जा रहा है, अभी तो 2 महीने हैं, लेकिन ये 2 महीने कब हवा हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चले। इसीलिए इस मन को कंट्रोल में रखिए, जिस प्रकार से जो मन है, इस मन के चारों ओर हमारी सभी इंद्रियां काम करती हैं, तो इसलिए मन को कंट्रोल रखिए, पढ़ते रहिए जब तक आप सफल नहीं होते। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के मटेरियल के प्रमुख के रूप में किसने प्रभार ग्रहण किया है? तो जिनका नाम है एसआर शर्मा, क्या नाम है? एसआर शर्मा नाम है इनका। तो इन्होंने नौसेना के मटेरियल के प्रमुख के रूप में ग्रहण किया है, ठीक है। ये 1994 में लेफ्टिनेंट वीके जैन गोल्ड मेडल पाने वाले भी थे, तो कहने का मतलब है इन्होंने गोल्ड मेडल भी प्राप्त कर सके हैं, विशिष्ट सेवा पदक भी मिल चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रोजगार योजना को लागू कर रहा है? एक बार पढ़ते हैं, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रोजगार योजना को लागू कर रहा है? बेहतरीन क्वेश्चन है। और पहला है खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो वो पूछ रहा है कौन इसको लागू कर रहा है, तो बेहतरीन क्वेश्चन है आपका ये, और मैंने पहले ही बताया है। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत देखिए, बहुत इसके अंतर्गत जितने भी आपके हम कह सकते हैं कि कृषि से संबंधित जो हैं उनको बड़ा ही इसमें लाभ है, तो कहीं ना कहीं, और वही मंत्रालय मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें अभी हाल ही में वहाँ के मंत्रालय के जो मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। तो अब आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या है, खाद्य प्रसंस्करण में उद्योग मंत्रालय, ठीक है। तो इसका जवाब है, अब इसमें और आपको पता होना चाहिए किसने दे दिया है, हरसिमरत कौर बादल जी, जो उन्होंने मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। और सरकार की जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है उसके तहत भी, वो भी इसी के तहत आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने एग्री ओटा लॉन्च किया है? तो बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्री ओटा लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है? अब इसमें जवाब दिया है अमेरिका, ईरान, इराक और यूएई, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, तो इसका जवाब यही है, संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने भारतीय सेना के रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी को किसकी आपूर्ति करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? अर्जुन, पिनाका, सौर, वेलियंट। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, पिनाका इसका जवाब है। क्या जवाब है? पिनाका है, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो LNT, जिसके बारे में आपको पता होगा, जैसे लखनऊ में जो मेट्रो बन रही है वो LNT बना रही है, तो उसके साथ में समझौता हुआ 2580 करोड़ रुपये पर अनुबंध किया गया, ठीक है। और पिनाका रॉकेट प्रणाली है
और बहुबैरल रॉकेट प्रणाली है जो 44 सेकंड के भीतर 12 रॉकेटों को सेल्वो को आग लगा सकती है, ठीक है। और डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, ठीक है, उसके लिए पिनाका के कई लॉन्च रॉकेट सिस्टम को डिजाइन किए गए हैं और विकसित किए गए हैं। इसका इस्तेमाल सबसे पहले कारगिल युद्ध में हुआ था 1999 वाले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को 3500 करोड़ का विकास सहायता ऋण प्रदान करेगा? जापान, रूस, अमेरिका, इटली। तो वो है जापान। इसका जवाब क्या हो जाएगा? जापान 3500 करोड़ का ऋण सहायता प्रदान करेगा। COVID-19 के आपातकालीन प्रतिक्रियाओं सहायता हेतु ऋण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और आपको पता ही है कि जापान से बहुत ही अच्छे संबंध हैं भारत के, जैसा कि बुलेट ट्रेन भी चलने वाली है और जापान की राजधानी टोक्यो है, जहां पर हाल ही में ओलंपिक होने वाले थे जो अगले साल होंगे 2021 में। जापान की मुद्रा येन है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों के रोजगार व खेल कल्याण उपायों की श्रेणी के तहत राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? बेहतरीन क्वेश्चन है। तो जो इसमें वायुसेना के खेल नियंत्रण बोर्ड है उसको सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो यह जो पुरस्कार है वो निजी और सार्वजनिक दोनों रूप से क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए क्योंकि जो खेल के जो है बढ़ावा देने के लिए जो व्यक्ति बढ़ावा देता है, प्रोत्साहन की बात की जा रही है इसीलिए, ठीक है। और इसमें जो है खिलाड़ियों के रोजगार और कल्याण की भी बात की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन सेवा शुरू की है? तो इसमें दिया है दक्षिण पश्चिम रेलवे, कोंकण रेलवे, मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे। तो इस किसने शुरू किया है इस चीज़ को, रोल ऑन और रोल ऑफ? बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसमें जो जवाब है आपका दक्षिण पश्चिम रेलवे। क्या जवाब है? दक्षिण पश्चिम रेलवे ने रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन सेवा को, खुले फैट वैगन होंगे इसमें, ठीक है, उसने शुरू किया है। कोंकण रेलवे ने भारत में पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ सेवा शुरू की थी, सबसे पहले कोंकण ने, लेकिन हाल ही में दक्षिण पश्चिमी रेलवे। अब जैसे इसमें कहा भारत में पहली बार, तो पहली बार का मतलब है पहले कोंकण ने शुरू किया था लेकिन बाद में ये सफल नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसलिए फिर से कहा गया है कि भारतीय पश्चिम रेलवे ने इसको पहली बार शुरू कर पाया, पूर्णतया रूप से कह लीजिए, ठीक है। और ये आपका महाराष्ट्र जोन में पड़ता है, सोलापुर के तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोल इंडिया का कोयला उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो 2023-2024 तक 1 बिलियन टन, 2023-24 तक 4 बिलियन, 5 बिलियन, 10 बिलियन टन। तो इसमें कौन सा जवाब होगा? तो ये पूछा गया है, तो इसमें जवाब आपका है 2023 से 2024 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य, ये पहला जवाब आपका आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होती है, इस राज्य से कोयला निकासी, बुनियादी ढांचे का अन्वेषण और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों से संबंधित 500 परियोजनाओं पर निवेश किया जाएगा, ठीक है। और कोल इंडिया के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक महारत्न कंपनी है, कोयला खनन संशोधन कंपनी है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है, याद कर लीजिए, इसका मुख्यालय कोलकाता है, महारत्न कंपनी है। और भारत सरकार के पास इसका स्वामित्व जो है 70.96 हिस्सेदारी है। और इसके CEO हैं जो हैं वो हैं अनिल कुमार झा, कोल इंडिया लिमिटेड के जो CEO हैं वो अनिल कुमार झा जी हैं। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता 175 गीगावाट स्थापित करने के सरकार के लक्ष्य में सौर ऊर्जा का योगदान है कितना है, कितने गीगावाट है? 5, 10, 60, 100। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अक्षय इसमें एक देखिए आ गया, अक्षय से संबंधित जब बात की जाएगी तो वो सौर ऊर्जा से संबंधित बात की जाएगी, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कितने गीगावाट की बात कर रहा है, तो इसमें 100 भी आपका ऑप्शन दिया गया है, 100 गीगावाट जो है वो आपका इसका जवाब होगा, 100 गीगावाट, ठीक है, बिल्कुल ध्यान कर लीजिए, 100 गीगावाट। बेहतरीन क्वेश्चन है। वर्तमान में जो है सरकार 2022 तक जो है 175 गीगावाट स्थापित करके नवीनीकरण करने का लक्ष्य बना रहा है, और 175 गीगावाट के लक्ष्य में से 100 गीगावाट सौर ऊर्जा होगी,
क्या होगी, सौर ऊर्जा होगी। 60 गीगावाट जो है पवन ऊर्जा से संबंधित है, और 10 गीगावाट बायो पावर से संबंधित है, और 5 छोटे हाइड्रो पावर। सभी का मैंने बता दिया। 100 गीगावाट आपकी सौर ऊर्जा हो गई, ये आपकी पवन ऊर्जा हो गई, क्या हो गई, पवन ऊर्जा, और ये आपकी बायो पावर हो गई, बायो पावर, और ये आपकी हो गई छोटे हाइड्रो पावर से संबंधित, ठीक है। और कुल नवीनीकरण ऊर्जा संपन्न राज्य जो है वो तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेल मंत्री ने DFCCIL की प्रगति की समीक्षा की, तो DFCCIL में गठित किया गया था, मतलब कब इसको बनाया गया था, तो पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। फिर से मैं एक बार बोले दे रहा हूँ, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, और 2006 में गठित किया गया था। कब? 2006 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो विनोद कुमार यादव हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आपको पता, हाँ पता रखिए हर चीज़ का नॉलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूपी सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के नाम पर एक सड़क का नाम रखेगी। अब देखिए चारों खिलाड़ी जो है ये आपके यूपी से संबंधित हैं, और चारों जो खिलाड़ी हैं वो आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। इसमें से अभी हाल ही में जो है हमारे एक मंत्री जी भी हैं, खेल मंत्री थे यूपी सरकार में, चेतन चौहान जी, उनका अभी कोरोना के कारण निधन हो गया, चेतन चौहान जी का। प्रवीण कुमार बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर हैं। पीयूष चावला अभी भी खेलते हैं, हाल ही में जो है ये चेन्नई सुपर किंग्स लीग से खेल रहे हैं पीयूष चावला। और मोहम्मद कैफ ये रिटायरमेंट ले चुके हैं, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं, हाल ही में ये भी हाल ही में कमेंटेटर हैं। तो कहने का मतलब है इसमें से एक नाम रखेगी, तो वो जो स्वर्गीय चेतन चौहान जी हैं उनके नाम पर रखेगी, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि बेहतरीन खिलाड़ी भी रह चुके हैं, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो है गठन 1937 में हुआ था, बाद में 1950 में इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। इसमें 75 ज़िले हैं, 18 उपखंड हैं, तो ध्यान रखिए हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित चीज़ों के बारे में, ठीक है। यूपी में 67.68 लोग साक्षर हैं, और लिंगानुपात जो है 912 है, तो ये भी थोड़ी बहुत जानकारी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। रेनाती कोला युग शिलालेख निम्नलिखित में से किस राज्य के एक जिले में पाया गया, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसमें जवाब है आपका आंध्र प्रदेश। क्या जवाब है? आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के कड़प्पा जिले में पाया गया था, ठीक है। इसमें जो है एक डोलोमाइट स्लैब और सेल पर पाया गया था। आर्कटिक तेलुगु में लिखा है, और 8वीं शताब्दी से संबंधित है। देखिए बहुत पुराना है, 8वीं शताब्दी से ये लिखा शिलालेख संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। पीएम नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किसके तीसरे नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अब इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जवाब पूछ रहा है कौन सा जवाब होगा। तो इसका जवाब है यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक एंड पार्टनरशिप फोरम। तो ये जो आपका USISPF है, ऑप्शन नंबर सेकंड ये है, तो यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के द्वारा पीएम द्वारा संबोधित किया जाएगा, ठीक है। और तीसरा नेतृत्व शिखर सम्मेलन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और इसका जो शीर्षक है वो है यूएस इंडिया वीक निगेटिव न्यू चैलेंजेस, ठीक है। और इस शिखर सम्मेलन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी ने संबोधित किया। माइक पेंस जो हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, माइक पेंस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य उद्योग मंत्री जो है पीयूष गोयल ने भी संबोधित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले कार्डियोलॉजिस्ट का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब बेहतरीन क्वेश्चन है, तो उसमें क्या नाम है उनका, तो उनका नाम है डॉक्टर एस पद्मावती। पहला ही जवाब इसका सही है, ठीक है।
और पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी और कोविड-19 के कारण 103 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। जन्म इनका 1917 में वर्मा में हुआ था, 1942 में भारत आई थी। ठीक है, लोकप्रिय रूप में इनको जो है गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, 103 वर्ष आयु थी, काफ़ी आयु थी। और 1967 में इनको पद्म भूषण, 1992 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रेस्टिज ऑफ इंडिया, पीटीआई, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेस्टिज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन है? तो नाम है उनका अवीक सरकार। क्या नाम है? अवीक सरकार जो है पीटीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, और ये जो स्थान जिनका लेंगे उनका नाम था विजय कुमार चोपड़ा। ठीक है, विजय कुमार चोपड़ा पहले इससे थे, उनकी जगह पर अब आ गए हैं अवीक सरकार। और पीटीआई क्या है? ये एक प्रमुख समाचार एजेंसी है भारत की, जिससे 400 से अधिक पत्रकार जुड़े हुए हैं। ठीक है, 1947 में इसको पंजीकृत किया गया था और 1949 से इसका संचालन शुरू हुआ था। और इसके उपाध्यक्ष श्री विनीत जैन हैं। क्या नाम है? विनीत जैन उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष आपके अवीक सरकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश द्विपक्षीय अभ्यास इंदिरा 2020 आयोजित करेगा? तो इंदिरा 2020 कौन आयोजित करेगा? तो भारत और रूस। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका जवाब है। भारत और रूस सामरिक मालका के जल डमरू के पास अंडमान सागर में इंदिरा 2020 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो है इसमें बैठक में भाग भी लिया था। रूस की जो 3 दिवसीय यात्रा थी आप सभी को पता होगा, अभी गए थे। और तो इंदिरा क्या है? इंदिरा जो है भारत और रूस के बीच एक संयुक्त सेवा अभ्यास है। ठीक है, इसका पहला संस्करण 2003 में आयोजित किया गया था और बाद में वैकल्पिक रूप से एकल सेवा के रूप में इसने काम किया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐप आईआईटी बॉम्बे के छात्रों द्वारा प्रतिबंधित चीनी ऐप कैम स्कैनर के लिए भारतीय विकल्प के रूप में विकसित किया है? तो कैम स्कैनर एक चलता था जिसके माध्यम से डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कर लिया जाता था, पीडीएफ बना ली जाती थी, उसके ही रूप में एक नया ऐप जो है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो भी अब देखिए आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नाम है उसका एयर स्कैनर। क्या नाम है? एयर स्कैनर है। यह मुफ्त में उपलब्ध है एप्लीकेशन। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, एप्लीकेशन को मुख्य रूप से दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए उपयोग किया जाएगा। इससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। आईटी बॉम्बे के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अंतिम वर्ष के बीटेक छात्र रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल ने इस ऐप को विकसित किया है। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे के छात्रों द्वारा इसको विकसित किया गया, अपना भारतीय है, तो इस ऐप को लॉन्च करिए, मतलब डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करके जो है आप इसको यूज करिए। ठीक, नाम इसका एयर स्कैनर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक किससे सम्मानित किया गया है? तो बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला इसमें जवाब दिया गया है श्री जगबीर सिंह, दूसरा है शिवचरण सिंह, मुकेश कुमार मीणा और SR शर्मा। तो इसका जवाब क्या होगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जवाब जो है भारत के राष्ट्रपति ने 3 रेलवे सुरक्षा RPF, ठीक है, RPF कर्मियों के जीवन रक्षा पदक पुरस्कार के लिए सम्मानित किया था। और इस पुरस्कार के विजेता जो हैं स्वर्गीय श्री जगबीर सिंह कांस्टेबल उत्तर रेलवे, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक उनको दिया गया है। और श्री शिवचरण सिंह कांस्टेबल पश्चिम रेलवे, इनको जो है उत्तम जीवन रक्षा पदक दिया गया है। श्री मुकेश कुमार मीणा हेड कांस्टेबल उत्तर पश्चिम रेलवे, इनको उत्तम जीवन रक्षा पदक दिया गया है। 3 श्रेणियों में अलग अलग दिया गया है। लेकिन अब देखिए इसमें 3 लोगों को नाम लिया मैंने, एक श्री जगबीर सिंह लिया, दूसरा श्री शिवचरण सिंह का नाम लिया और तीसरा लिया मुकेश कुमार मीणा। लेकिन इनको भी जीवन उत्तम जीवन रक्षा पदक मिला, इनको भी उत्तम जीवन रक्षा पदक मिला, लेकिन इनको जो दिया गया है वो सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक दिया गया है। क्या दिया गया है? सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, जीवन रक्षा पदक की स्थापना जो है 1961 में की गई थी, और आपदा, प्राकृतिक आपदा की घटनाओं, व्यक्ति की दुर्घटनाओं, पानी में डूबने से, इन सभी मामलों में जान बचाने के लिए किया जाता है। 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये सभी RPF रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू में नए मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के रूप में शामिल होने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? सरफराज लोहिया, नरेंद्र सिंह, गजानंद यादव, शैलेंद्र दशोरा। तो नाम इनका है शैलेंद्र दशोरा, जम्मू के नए चीफ, ये नाम है आपका, ऑप्शन नंबर 4 है इसका जवाब। नए चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के रूप में शामिल हुए, 1984 बैच के भारतीय डाक सेवा अधिकारी हैं, ठीक है। और जब उन्होंने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में डाक विभाग के कामकाज की समीक्षा की है, ठीक है, संभालने के बाद, पद संभालने के बाद। और जम्मू कश्मीर में आपको पता है अनुच्छेद 370 को निलंबित करने के बाद में सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित किया। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर में स्थित है। इसकी शीतकालीन राजधानी जो है वो जम्मू है, और ग्रीष्मकालीन श्रीनगर है। और जम्मू और कश्मीर के जो LG हैं अभी नए हाल ही में मनोज सिन्हा जी हैं, ठीक है। और इस महत्वपूर्ण नदियां भी बहती हैं, तवी, रावी, झेलम, चिनाब, ठीक है। तो चलिए, पोस्ट मास्टर का नाम हो गया शैलेंद्र दशोरा। अगला है, किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश। देखिए, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में इंदौर सबसे स्वच्छ शहर भी है आपका, और मध्य प्रदेश में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, दिया हर जगह जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां हो जाती। जैसे उत्तर प्रदेश बहुत ही ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, तो अधिक जहाँ पर आबादी होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सरकारों को। तो लेकिन यहाँ पर हमारी सभी की अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस प्रकार से अपने घर को साफ रखते हैं, उसी प्रकार से हम अपने आसपास को भी, वातावरण को भी साफ रखें। जैसा कि आपको पता है कि अगर वातावरण के साथ हम खिलवाड़ करते हैं तो वातावरण हमारे साथ भी खिलवाड़ करता है। जैसे COVID-19 हो गया, ठीक है, जैसे कि अभी बाढ़ क्षेत्र आ गए थे जिसमें उत्तर प्रदेश के ही साथ और बिहार और गुजरात और महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे सभी में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा था। तो पर्यावरण को जरूर बचाइए, पर्यावरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से ही हम लोग जीवित हैं, ठीक है। भगवान का असली अर्थ जो है, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, ना से नीर होता है। तो यही भगवान है और इन्हीं के कारण हम जीवित हैं। इनमें से एक भी चीज़ अगर हमारे लिए कम हो जाती है तो हमारा जीवन संभव नहीं है। तो इन सभी जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताएं, इन 4 चीज़ों को बचाइए, और इनको बचाएंगे तो हम लोग जीवित रहेंगे, ठीक है। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है, पेड़ को जो है, पेड़ों को लगाना है, पेड़ों को पानी देना है अधिक से अधिक, और बहुत सारी चीज़ें आप जो कर सकते हैं करिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो बेहतरीन क्वेश्चन है, और बेहतरीन क्वेश्चन ज़रूर आप पढ़ते रहिए। तो इसमें कह रहा है, भारत की रैंकिंग क्या है इसमें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। तो देखिए, जैसे अभी मैंने पिछली बार बताया था कि इंडेक्स जो है हर पेपरों में लगातार पूछे जा रहे हैं, और मैं हर जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियोस कराता हूँ उसमें इंडेक्स को ज़रूर रखता हूँ, और इंडेक्स लगातार बदलते भी रहते हैं, हर साल इंडेक्स चेंज होते हैं, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि इंडेक्स को याद रखिए, वो भी आपका कर्तव्य है। तो इसका जवाब जो है वो है आपका बी, 48वां इसका जवाब आपका है, एक सेकेंड, जवाब आपका है 48वीं। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है 48वीं इसका जवाब होगा, ठीक है।
और इंडेक्स पर फोकस करते रहिए। और मैं बता दूं आपको, इसमें भारत ने इसमें 4 स्थानों पर अपनी रैंकिंग का सुधार किया है। स्विट्जरलैंड के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहली रैंक हासिल किया है स्विट्जरलैंड ने। और इनोवेशन का मतलब नवाचार होता है, वैश्विक नवाचार सूचकांक इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और स्विट्जरलैंड के बाद में स्वीडन आता है, फिर अमेरिका, फिर ब्रिटेन और फिर नीदरलैंड है। और यमन जो है इसमें वो 131वीं रैंकिंग है, सबसे लास्ट में यमन देश आया है, यमन, ठीक है। और जो वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर है इंटरप्रेन्योर्स इन रेसिडेंस EIR प्रोग्राम इन नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हॉर्नेसिंग इनोवेशन निधि। देखिए कितना इम्पोर्टेंट जो है, निधि का फुल फॉर्म पूरा दिया गया था। कार्यक्रम होनहार प्रौद्योगिकी व्यवसाय विचार को आगे बढ़ाने के लिए नवोदित या महत्वाकांक्षी उद्यमियों का समर्थन कितने महीनों के लिए करती है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 18 महीने प्रश्न है। तो कितने महीने के लिए करती है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आपका होगा, इसका जवाब है आपका बी, 6 महीने। इसका जवाब क्या है? 6 महीने, सॉरी 6 महीने के लिए तो इस प्रोग्राम को शुरुआत करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका समर्थन जो है कितने, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव किया है, उद्यमियों का समर्थन पूछ रहा है, तो वो 18 महीने। इस प्रश्न का जवाब आपका क्या हो गया? 18 महीने होगा, सॉरी, हाँ 18 महीने। चलिए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या इस प्रश्न से संबंधित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हॉरेंसिंग इनोवेशन निधि कार्यक्रम के तहत इंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस विवरण का लॉन्च किया गया है, ठीक है। निधि जो है वो एक ग्रैंड चैलेंज और प्रतियोगिताएं हैं, इसमें स्टार्टअप से भी संबंधित है और बीज समर्थन प्रणाली से भी संबंध है, उत्कृष्टता केंद्र से भी संबंधित है, बहुत सारी चीज़ों से। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 5 भाषाओं में से एक, जिसे जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बिल 2020 के अनुसार आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलेगा? तो देखिए, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 में उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी और अंग्रेजी को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा मानता है। तो संसद में 2020 में विधेयक जो पारित हुआ उसमें कश्मीरी जो है वो 53% आबादी जो है वो मातृभाषा के रूप में इसको लेती है और सबसे अधिक बोले जाने वाली कश्मीर में भाषा है। और अन्य भाषाओं में आपकी डोंगरी है, गोजरी है, पहाड़ी भी बोली जाती है, लेकिन आधिकारिक भाषा में कौन एक शामिल कर दी गई है, वो है डोंगरी। बोली गोजरी भी जाती है लेकिन डोगरी शामिल कर ली गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भूमध्य सागर एवं हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज पर निम्नलिखित में से कौन से देश संघर्ष में हैं? तो तुर्की और ग्रीस, तुर्की और मिस्र, ग्रीस और मिस्र और तुर्की और सीरिया। तो इसमें जवाब पूछ रहा है, तो इसका जवाब है तुर्की और ग्रीस, पहला जवाब इसका सही है। तुर्की के विदेश मंत्री ने तुर्की के पूर्वी भूमध्य सागर में गैस और तेल संसाधनों को साझा करने के लिए ग्रीस के साथ बात करना चाहेगा। तुर्की और ग्रीस के बीच संघर्ष एवं तुर्की ने इस पहले हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पता लगाने के लिए अपने अनुसंधान पोत और युद्धपोत भेजे थे। तो तुर्की और ग्रीस की सेना साइप्रस और यूनानी द्वीप के क्रेतों के बीच अभ्यास कर रही है। तो तुर्की ने क्या किया, तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में अपनी गतिविधियों को अपने अधिकार के रूप में उचित ठहराया, परंतु ग्रीस पर उत्तेजक कार्रवाई करने का आरोप लगाया। तो ग्रीस ने यह दावा किया कि तुर्की उन क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज कर रहा है जो ग्रीस के महाद्वीपी सेल्फ का हिस्सा है। मतलब कहने का तात्पर्य, ग्रीस ने कहा कि नहीं, आप हमारे क्षेत्र में, तुर्की से कहा कि आप हाइड्रोकार्बन खोज रहे हो। बस इसी पर थोड़ा सा जो है संघर्ष हुआ, विवाद चला, ठीक है। और तुर्की जो है यूरेशिया के में एक स्थित एक देश है, ठीक है। और ग्रीस दक्षिण पूर्व यूरोप में एक ऐसा देश है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला आगे देखते हैं,
उस रोबोट का नाम बताइए जिसे कोविड 19 के लक्षणों वाले लोगों का आकलन करने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए जोखिम को कम कर सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है, तो उस रोबोट का नाम बताना है। रोबोट का नाम है स्पॉट। क्या नाम है? स्पॉट नाम है उसका, स्पॉट। तो रोबोट को स्पॉट के रूप में नामित किया गया है। यह एक हैंड हेल्ड डिवाइस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह 2 मीटर की दूरी पर स्वस्थ लोगों को महत्वपूर्ण संकेत यानी शरीर का टेम्परेचर, श्वास दर, नाड़ी दर और रक्त ऑक्सीजन संतृप्ति को माप सकता है। 2 मीटर से पहले ही 2 मीटर से माप लेगा ये सारी चीज़ें। और कोविड 19 के लक्षण वाले लोगों का आकलन करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में जोखिम को कम कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे डॉक्टर लोग जांच करते हैं तो ये कर लेगा, तो रोबोट को तो कोई कोविड होना नहीं है। तो जो डॉक्टर्स और हमारे नर्सेज हैं, कंपाउंडर्स हैं, उनके लिए ये आराम की बात हो जाएगी, उनकी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा डिवाइस है। तो उसका नाम है स्पॉट। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारतीयों को नामित आतंकवादी की सूची में शामिल करने के पाकिस्तान के प्रयास को खारिज कर दिया। इन भारतीयों के नाम क्या हैं? तो नाम पूछ रहा है कि उन भारतीयों का नाम क्या है जिसमें पाकिस्तान ने शामिल किया, तो उसका खारिज कर दिया कि नाम उनके हैं अजय मिस्त्री। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो जो है 2 भारतीय थे जिनका नाम अजय मिस्त्री और वेणु माधव डोंगरा थे, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अवरुद्ध किए गए थे। और जब अभी वाले हाल ही में पाकिस्तान ने जो आरोप लगाया उसमें अंगरा अप्पा जी हैं और गोविंदा पटनायक हैं। तो अंगरा अप्पा जी और गोविंदा पटनायक ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा, इसका सही जवाब है। ठीक है, सहित 4 भारतीयों के समूह अफगान स्थित भारतीय आतंकी सिंडिकेट को गठन किया गया था और पाकिस्तान के हमलों को अंजाम देने के लिए प्रतिबंधित आतंकी समूह तारिके तालिबान और पाकिस्तान जमात उल अहरार का आयोजन किया गया था। ठीक है, अच्छा, तो इसमें एक शब्द आ गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अब हम उसके बारे में भी बता दें, UNSC। तो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से यह एक है। इसकी स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है और इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 गैर स्थायी सदस्य हैं और रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। 10 में भारत भी है। ठीक है, 10 जो गैर स्थायी सदस्य हैं उसमें भारत भी है। तो 5 स्थायी सदस्य मैं एक बार फिर बता दूँ, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस व्यक्ति का नाम है जिसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? राकेश अस्थाना, उषा पांडे, एस पद्मावती, अजीत कुमार। तो इसमें नाम आपका है, कह रहा किसको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक के रूप में बताया गया है। बेहतरीन क्वेश्चन है, और क्योंकि लगातार हम आपके लिए ऐसे ही 5-5 दिनों के जो है करंट अफेयर्स के रूप में महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहेंगे, अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते रहिए इनको। ठीक है, तो इसका जवाब है आपका उषा पांडे। क्या नाम है इसका जवाब? उषा पांडे, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो जो उषा पांडे को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया, पहले राकेश अस्थाना को BSAS का प्रभार दिया गया था लेकिन BSF के महानिदेशक के रूप में उन्हें नियुक्त कर दिया गया। राकेश अस्थाना जो हैं वो BSF के महानिदेशक हो गए हैं। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय को संयुक्त सचिव जो हैं उषा पांडे बना दी गई हैं। ठीक है, और ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है क्या? इसकी स्थापना 1978 में पांडे समिति की सिफारिश पर ही की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है एक सुरक्षा के लिए नियामक प्राधिकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है? तो मुद्रा पोर्ट है, न्यू मंगलुरु पोर्ट है, चेन्नई बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह है। तो इसका जवाब क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। मैंने आपसे कई बार कहा है कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर कर दें कृपया, क्योंकि आप हमारा साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे और हमारी आपके जब साथ चलता रहेगा तो वो साथ थोड़ी देर के लिए ही नहीं, बहुत दिनों के लिए कारगर साबित होगा। और हम तो चाहते हैं कि आप सभी लोग जल्द से जल्द सफल हो जाएं और एक अच्छी जगह पर आप लोग सभी लोग पहुंच जाएं। ठीक है, तो इसका जवाब जो है कौन सा पोर्ट होगा,
इसका जवाब जो है पहला ऑप्शन है मुंद्रा पोर्ट। क्या जवाब है इसका? मुंद्रा पोर्ट इसका जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुंद्रा पोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है, ठीक है, और कच्छ जिला गुजरात में, जो गुजरात का जिला है उसमें स्थित है और अडानी समूह के स्वामित्व में है, अडानी ग्रुप्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्काई ड्राइव ने एक कार को अपनी पहली मानव युक्त परीक्षण उड़ान पूरी की है, स्काई ड्राइव है क्या? तो स्काई ड्राइव क्या है? चीनी कंपनी है, कोरियाई है, अमेरिकी है, जापानी है? तो ये जापानी कंपनी है स्काई ड्राइव। ठीक है, हाँ, स्काई ड्राइव जो है ये जापानी कंपनी है और जापानी कंपनी स्काई ड्राइव ने सिंगल सीटर SD03 कार मॉडल को अपनी पहली मानव परीक्षण उड़ान पूरी कर ली है। ठीक है, कार जो है वो अब उड़ेगी, तो ये परीक्षण पूरा हो चुका है और कार में 8 इलेक्ट्रिक मोटर हैं जो विपरीत दिशाओं में 8 रोस्टर को घुमाते हैं और रोटर 2 समूहों में विभाजित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य 1 से 14 सितंबर तक गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम में भाग ले रहा है? असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है? तो इसमें 4 जवाब दिए गए हैं। इसमें से पूछ रहा है 1 से 14 सितंबर तक गहन डायरिया नियंत्रण, तो इसका जवाब होगा आपका नागालैंड। क्या जवाब है इसका? नागालैंड जो है वो डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा सप्ताह कार्यक्रम 114 सितंबर तक का हिस्सा रहेगा। ठीक है, हिस्सा लेगा जिसमें 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के सभी घरों में ORS प्रदान किया जाएगा और जो डायरिया पीड़ित बच्चों हैं उनको ORS के साथ साथ जिंक टैबलेट भी प्रदान किया जाएगा। और ये जो गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा सप्ताह कार्यक्रम जो है वो पूरे देश में वार्षिक रूप से मनाया जाता है या सन 2014 से हर साल मनाया जा रहा है। ठीक है, और क्योंकि इसका उद्देश्य जो है मृत्यु की संख्या को शून्य से कम करना है डायरिया से। ठीक है, क्योंकि डायरिया की मौत का आंकड़ा को कम करना है इसमें। ठीक है, तो अगला डायरिया के बारे में ये सारी जानकारी आपको मैंने बताई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने AIMA चाणक्य बिजनेस सिमुलेशन गेम इन नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता? तो किसने जीता है? तो वह पूछ रहा है NTPC भिलाई ने जीता, वेल्लूर ने, राउरकेला ने, तो दुर्गा। तो इसका जवाब है NTPC वेल्लूर, जो कि तमिलनाडु की टीम है। ठीक है, उसने इसको जीता है। ये 5 साल में पहली बार नेशनल मैनेजमेंट गेम्स जीता है NTPC वेल्लूर ने और भारत के विभिन्न हिस्सों में 112 संगठनों के बीच में आयोजित की जाती है। ठीक है, और NTPC क्या है आपको पता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम इसका हिंदी में। NTPC का गठन 1975 में, वो NTPC नहीं रेलवे वाला, ये NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, 1975 में किया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, और ये जैसे गैस है, ऊर्जा है, कोयला खनन है, उससे संबंधित है। उसके अध्यक्ष और MD जो हैं वो गुरदीप सिंह हैं। NTPC जो है बिजली मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, बिजली मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब जैसे मैं आपको बता दूं, अभी मैंने हाल ही में एक क्वेश्चन भी कराया था कि G20 के विदेश मंत्रियों का आभासी बैठक की गई थी, तो वो विदेश मंत्री के आभासी बैठक की गई थी तो उसमें कौन, किसने भाग लिया था? तो उसमें भाग लेने वाले के नाम पूछे थे, तो उसमें नाम मैंने बताया था S जयशंकर। ये क्वेश्चन बार बार इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसकी लगातार बैठकें होती रहेंगी, ब्रिक्स की है, तो उससे हमको ध्यान में रखना है सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबल एडोलसेंस यानी रीड 2020 कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया है? बेहतरीन प्रश्न है आपका, तो पूछ रहा है किस में शुरू किया गया है? तो ये केरल राज्य में शुरू किया गया है। केरल ऑप्शन नंबर आपका पहला आ जाएगा। ठीक है, केरल इसका जवाब होगा। केरल के बारे में मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन हुआ। भारत के स्पाइस गार्डन के रूप में मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री इसके PV है। राज्यपाल इसके आरिफ मोहम्मद खान है। भाषा इसकी मलयालम है। सीटें लोकसभा इसमें 22 हैं और राज्यसभा के 9 सीटें हैं। ठीक है, मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया। और केरल के जो पास में जो राज्य हैं वो कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। ठीक है, तो रीड मैंने बता दिया, रिस्पॉन्सिबल एडोसेंस रीड जो है 25 सितंबर को शुरू किया जाएगा। ठीक है, ये 25 सितंबर जो आने वाला है। चलिए, यह एक निःशुल्क कार्यक्रम है, अंग्रेजी और मलयालम में उपलब्ध रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है
कि भारत सरकार राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित करेगी, जनजाति अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है तो कहाँ स्थापित करेंगे, तो इसमें दिसपुर, भोपाल, दिल्ली, कोहिमा, तो वो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो जनजाति मामलों के मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के बीच दिल्ली परिसर में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यह राष्ट्रीय संस्थान अन्य प्रतिष्ठित सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ गुणवत्ता जनजाति के अनुसंधान में शामिल होगा। दो दिवसीय राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर भी होंगे। अब जैसे ये किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, तो भारतीय जो जनजाति मंत्रालय है और उसके साथ में भारतीय लोक प्रशासन मंत्रालय, भारतीय लोक प्रशासन मंत्रालय भी है उसके साथ में, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो है एम वेंकैया नायडू, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में होता है। अच्छा, तो एक हम यहाँ पर क्वेश्चन है कि जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो उनका नाम है अर्जुन मुंडा। क्या नाम है? अर्जुन मुंडा नाम है उनका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अर्जुन मुंडा उनका नाम है। चलिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, यानी कि आज इस सेशन का जो हम कह दें टॉप क्वेश्चनों में से एक और टॉप क्वेश्चन आ गया है। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये पूछा गया है। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष का नाम क्या है, तो पहले तो हम प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में जान लें। यह एक वैधानिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत लागू करने का जिम्मेदार है और इसका गठन 14 अक्टूबर 2003 को किया गया था, अधिनियम 2002 के अंतर्गत, लेकिन गठन इसका 2003 में किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 10 से अधिक या 2 से कम सदस्य नहीं हो सकते, 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते और 2 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों के बीच में केंद्र सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति किए जाते हैं। इसके अध्यक्ष जो हैं पूछा गया है और इसका जवाब होगा अशोक गुप्ता। क्या नाम है इसका जवाब? अशोक गुप्ता इसका जवाब है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। CCI ने ऑटोटेक ओयोज द्वारा मेटोस और ओयोज को खनिज संस्थानों के अधिग्रहण को मंजूरी दी है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अधिग्रहण का यह प्रस्ताव भारत में आयरन और पेलिटेशंस उपकरण द्वीप के बाजार को दो मजबूत प्रतियोगी के कारण एकाकरण को प्रतिस्पर्धा को भी कम करेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन उठा क्योंकि ऑटोटेक जो है ओयोज द्वारा मेटोस आयोज के खनिज व्यवसाय का अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। किसके द्वारा दी गई? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा, ऑटोटेक ओयोज। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, ऑटोटेक ओयोज, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का सेशन था, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था और 50 क्वेश्चनों के साथ हमने इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग 5 दिनों के पढ़े। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर देने, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ICS हरदोई चैनल को। और किसी विशेष जानकारी या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे संस्थान के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। और जितने भी आप YouTube चैनल पर ICS हरदोई के जा कर के जितने भी आपको पिछले वीडियोस करंट अफेयर्स के देखने हों तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण के साथ बताया गया है। मनोविज्ञान के आपको अगर वीडियोस देखने हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं। GS के आप वीडियोस देख सकते हैं, मैथ के, रीजनिंग के, ठीक है। सभी चीज़ों को आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। और लगातार वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको जिस प्रकार से मैंने 1 से 5 सितंबर तक का बनाया है उसी प्रकार से मैं एक आपके लिए और एक नया वीडियो लाऊंगा जो होगा आपका 6 से 10 सितंबर तक के लिए, जिसमें महत्वपूर्ण फिर से मैं 50 क्वेश्चन का जो है मेगा डोज आपके लिए लाऊंगा। और तब तक सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।